मेरिट में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। वहीं आपको बता दें कि समाज के गणमान्य लोगों ने हाथ बढ़ाया, जहां पढ़ाई के अव्वल और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पिस्तिया विद्या उषा ट्रस्ट के अध्यक्ष विष्णु राणा ने पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति। आज आपके आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट है, कौन से ट्रस्ट है वो जिसमें आपको कुछ पैसे दे रही है अपनी तरफ से? ये कॉलेज की तरफ से जो चेयरमैन सर ने बनाई है ट्रस्ट, वही है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को दी जाती है जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, परेशानी होती हैं, तो सर उनको स्कॉलरशिप के थ्रू उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। कितना अच्छा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम सलोनी जिंदल है, मैं जानी खुद बागपत रोड से बिलोंग करती हूँ। हमें पता लगा आपकी स्थिति घर से बहुत कमजोर है, क्या करते हैं पापा के? मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान है गाँव में, और बस हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए मुझे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही है। कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा, कि इससे मुझे जो मैं पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से वो फील कर रही थी कि मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब कॉलेज की तरफ से मुझे सपोर्ट मिल गया है और मैं अपने जो अपना करियर है उसको बना पाऊँगी और अपने जो गोल है उसको अचीव कर पाऊँगी। आगे क्या बनना चाहती हूँ, क्या सोच रहा है? सर मैं MNC बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ। छोटे बच्चे हैं, उनको क्या प्रेरणा दोगे? बस उनको ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि बस मेहनत करते रहिए, और जब भी मतलब अगर आप मेहनत करते रहोगे ना तो कुछ भी अगर आपके रास्ते में आएगा ना वो भी मतलब ख़त्म हो जाएगा कोई भी। सर मेरा नाम सचिन कुमार ओझा है। आज आपको ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, कुछ पैसे आपको दिए जा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या करते हैं आपके पापा? सर मेरे पापा इंदौर में एक प्राइवेट जॉब करते हैं, और जिससे कि इतना वो समर्थ नहीं हो पा रहे हैं कि वो मेरी फीस दे सके, इसके लिए हमारे कॉलेज के चेयरमैन सर ने यह एक स्कीम स्कॉलरशिप का स्कीम दिया है, जिससे जो बच्चे हैं वो सुचारू रूप से अपना अध्ययन कर सकते हैं। क्या बनना चाहता हूँ? सर मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो अब आपको कुछ राहत मिली होगी, कितना अच्छा महसूस कर रहा है? सर मैं चेयरमैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जिस कारण हम अपने पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे, उसको सर ने हमारी मदद कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर आज आपने गरीब बच्चे की हेल्प की है, क्या कहेंगे? नहीं, ये हेल्प नहीं मैं कह सकता, ये जो हमारा कॉलेज है विष्णु जी का MIT, ये मेरठ के सबसे अच्छे कॉलेजों में है, और यहाँ जो भी काम होगा वो जेन्युइन होगा, ये सोचते हुए मैंने 2 साल पहले कहा था कि अगर किसी बच्चे को देनी पड़े स्कॉलरशिप और किसी को वास्तव में ज़रूरत है तो आप मेरा नाम उसमें, तो इस बार इनका फोन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे माध्यम से किसी के लिए कोई काम किया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और आगे भी जहाँ भी इनको ज़रूरत होगी जिस बच्चे को वो करने की पूरा प्रयास किया जाएगा, और मैं तो यही कहूँगा कि ये बच्चे फलें फूलें, मेहनत करें, देश का भविष्य है ये, बस इसी बात के लिए। सर बच्चे की मदद करके आपको मदद कैसा महसूस हो रहा है? मदद नहीं जी, मैंने बच्चे के लिए जो दिया है वो मतलब अपने मन से खुशी से, मैं पहले कह चुका हूँ कि वो जिसके लिए भी आपने ठीक समझा उसको दिलवाया तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे भी मैं हर समय तैयार हूँ। स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया था, किस के द्वारा किया गया? ये पिस्तिया विद्या उषा ट्रस्ट, पिस्तिया मेरी दादी जी का नाम है और विद्या मेरी माता जी का और उषा मेरी धर्मपत्नी का नाम है, क्योंकि मुझे हमेशा अपनी दादी जी से, अपनी माता जी से और अपनी धर्मपत्नी से प्रेरणा मिली है, इसलिए मुझे लगा कि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें इन तीनों का नाम होना आवश्यक है, इसलिए हमने एक ट्रस्ट बनाई, पिस्तिया विद्या उषा ट्रस्ट, बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए। तो हमने वर्ष 2014 से शुरुआत की थी, तो हमने सोचा था हम 5 बच्चों को प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देंगे,
लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़े तो ज़्यादा बच्चे आइडेंटिफाई हो गए, 5 बच्चों से ज़्यादा हुए, तो क्योंकि वो ज़रूरतमंद थे तो हम उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से वर्ष 16 में 8 बच्चे हुए, 17 में 8 बच्चे हुए, इस साल 12 बच्चे हम आइडेंटिफाई कर पाए जो वास्तव में ज़रूरतमंद थे और उनको कहीं दूसरी जगह से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिली थी, इसलिए हमने 12 बच्चों का ही नाम इंक्लूड कर लिया। तो उसमें 10 स्कॉलरशिप हमने सोचा है कि हम अपने इस ट्रस्ट से देंगे। अब क्योंकि ये 12 बच्चे हो गए थे तो हमसे कुछ और लोगों ने भी कहा हुआ था कि अगर कोई आवश्यकता पड़े तो आप बताइएगा, हम भी इसमें योगदान अपना करना चाहेंगे। तो एक मिस्टर वीके जैन मेरे मित्र हैं, वो सहारनपुर में उद्योग चलाते हैं, उन्होंने कहा हुआ था तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने सहज स्वीकार किया और एक बच्चे को उन्होंने स्कॉलरशिप दिया है। एक पवन मित्तल साहब से मेरी बात हुई थी करीब 2 वर्ष पूर्व, तो पवन मित्तल साहब ने भी इच्छा जाहिर की थी कि वो भी एक स्कॉलरशिप देना चाहेंगे अगर आवश्यकता हो तो उन्हें बताया जाए, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी सहज स्वीकार किया। तो इस बार 10 स्कॉलरशिप इस ट्रस्ट से और 2 स्कॉलरशिप में एक मिस्टर वीके जैन द्वारा और एक मिस्टर पवन मित्तल साहब द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार कुल 12 स्कॉलरशिप हमने इस बार दी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अपने भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के चलते वो नहीं पढ़ पाते, कुछ नहीं कर पाते। आज आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चों की हेल्प की गई है, ये करके कैसा महसूस कर रहा है? देखिए, ये तो मन में ये भावना आई कि कोई बच्चा बिना पढ़े जिसमें पोटेंशियल है पढ़ने का, अपने करियर बनाने का, तो वो धन अभाव के कारण अपना कोर्स ना छोड़े और अपना कोर्स कंप्लीट करे, अपना करियर बनाए। इसी उद्देश्य से इस ट्रस्ट की शुरुआत भी की गई थी और बहुत ही स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर हमारे माध्यम से हम क्या है, तो ईश्वर मदद करा रहा है, माध्यम ज़रूर हम हैं लेकिन मदद ईश्वर की तरफ से ही है।